पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी मामलों में पंजाब पुलिस की SIT द्वारा अब तक डेरा श्रद्धालुओं के खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटाया जा सका, बल्कि जोर जबरदस्ती से सब कुछ थोपने की कोशिशें निरंतर उनके द्वारा जारी हैं। मुकदमा नंबर 117 में बीते दिन दो व्यक्तियों का पुलिस ने माननीय अदालत से 2 दिन का रिमांड हासिल किया है, वह भी बेबुनियाद है, क्योंकि इससे पूर्व CBI सहित पंजाब पुलिस SIT टीम इस मामले में पूछताछ कर चुकी है। यह वक्तव्य बचाव पक्ष के एडवोकेट विनोद मोंगा, एडवोकेट बसंत सिंह सिद्धू और एडवोकेट विवेक सिंह ने संयुक्त तौर पर कहे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि FIR नंबर 128 में SIT का नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने आज प्रदीप सिंह, शक्ति सिंह और रणजीत सिंह को अदालत में पेश किया था। SIT ने आज की सुनवाई के दौरान 128 नंबर मामले में और रिमांड की मांग नहीं की तो अदालत ने उन्हें न्यायिक रिमांड सुना दी, परंतु साथ ही थाना बाजाखाना पुलिस ने साल 2015 में दर्ज मुकदमा नंबर 117 में बिना वजह रणजीत सिंह और शक्ति सिंह की अदालत के द्वारा गिरफ्तारी डालकर पुलिस रिमांड मांग लिया। उन्होंने बताया कि बेअदबी के मामले में पोस्टर लिखकर दीवारों पर लगाने के साथ संबंधित इस मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों की लिखाई मिलाने के लिए लिखित तौर पर कोई अर्जी नहीं थी, परंतु बहस के दौरान इन मामलों में और पूछताछ लिखाई का हवाला देकर जब SIT ने रिमांड मांगा तो उन्होंने बचाव पक्ष ने दलील दी कि लिखाई का मिलान तो पहले ही हो चुका है और लिखित उक्त व्यक्तियों की लिखाई के साथ न मिलती होने का जिक्र अदालती कार्रवाई में हो चुका है। लिखाई का मिलान अदालत में ही करवा लेने की टिप्पणी का भी SIT की टीम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 117 नंबर मामले में CBI द्वारा लिखाई का मिलान करने पर जब गिरफ्तार व्यक्तियों की लिखाई पोस्टर की लिखाई के साथ नहीं मिली तभी क्लीन चिट दी गई थी, इसका बकायदा तौर पर क्लोजर रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है। वकीलों ने कहा कि बेशक माननीय अदालत ने रणजीत सिंह और शक्ति सिंह की गिरफ्तारी की मंजूरी देकर 26 मई तक 2 दिन का रिमांड दे दिया, परंतु इस रिमांड के दौरान पुलिस न सिर्फ उक्त व्यक्तियों को परेशान करेगी बल्कि पोस्टर की लिखाई के साथ की लिखाई लिखने का दबाव भी बनाया जाएगा। आज FIR नंबर 128 ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਸਲ ਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 128 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 117 ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ FIR ਨੰਬਰ 117 ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ 63 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 167 ਦੇ 128 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 128 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ 63 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ 117 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।